दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, धर्मवीर भारती के गीत नाट्य के दो अंकों की चर्चा हम कर चुके हैं। पहले अंक में हमने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के मध्य का वार्तालाप देखा। द्वितीय अंक में युद्ध के बाद अश्वत्थामा की मनोस्थिति को देखा। हमने देखा कि अश्वत्थामा अपने पिता की निर्मम हत्या को भूल नहीं पाता है और वह अपने मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर लेता है। आइए चलते हैं तीसरे अंक की ओर। तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। कथा गायन से अंक का प्रारंभ होता है। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। भारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। भारी कौरव सेना कब लौटेगी वह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक विधवाएं बौने बूढ़े घायल जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी गई युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है प्रहरी खड़े हैं और विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र कहता है देख नहीं सकता हूं पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। वहां के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्ता है। विदुर कहता है महाराज यह सब सोच रहे हैं आप। धृतराष्ट्र कहता है कोई खास बात नहीं सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इसी बीच में एक पंगु गुंगा सैनिक घिसटता हुआ आता है। विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर कहता है क्या है ओह प्रहरी थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र कहता है कौन है विदुर। विदुर कहता है एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गुंगे जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र कहता है क्या कह रहा है यह। विदुर कहता है जय हो धृतराष्ट्र की जिह्वा कटी है महाराज गूंगा है। धृतराष्ट्र कहता है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। और प्रहरी लाकर जल देता है। गूंगा हांफने लगता है। पहला प्रहरी मस्तक छूकर कहता है ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र कहता है पिला दिया जल इसको कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दोलाकर माता गांधारी से। प्रहरी कहता है माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर कहता है उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है न शोक है न क्रोध है जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर और नेपथ्य में शोरगुल होता है। धृतराष्ट्र कहता है प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर वह। प्रहरी जाता है। विदुर कहता है महाराज आप जाएं जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। राष्ट्र कहता है जाता हूं संजय भी नहीं है वहां पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद युद्ध का क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। विदुर कहता है महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कहता है शोर यह है और प्रहरी लौटता है। प्रहरी कहता है फैल गया है पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर कहता है क्यों। पहला प्रहरी कहता है अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा वह जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। और दूसरा प्रहरी लौट आता है। विदुर कहता है छी यह सब मिथ्या है मैं खुद जाकर उसको देखूंगा रक्षा करो तुम राजकक्ष की। और वह जाते हैं। दूसरा प्रहरी कहता है क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को। पहला प्रहरी कहता है मायावी है वह रूप धारण करता है नित नए नए
बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक वृद्ध का उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को बंद नगर द्वारों के ऊपर से। दूसरा प्रहरी कहता है, बंद करो जल्दी से द्वार पश्चिम के। पहला प्रहरी भय से कहता है, वह देखो। दूसरा प्रहरी पूछता है, क्या है? पहला प्रहरी कहता है, वह आया। दूसरा प्रहरी, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं, एक साधारण योद्धा का प्रवेश होता है। युत्सु कहता है, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। पहला प्रहरी कहता है, ये तो युयुत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु कहता है, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। दूसरा प्रहरी कहता है, निश्चय युयुत्सु हैं, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु कहता है, मैं भी सह लेता यदि सब श्रृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बांह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं और कहते हैं, ढूंढ रहा हूं कब से मैं तुमको युयुत्सु वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो, पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युयुत्सु कहता है, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर कहता है, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, इसका माथा गर्वोन्नत है। युयुत्सु कटुता से हंसकर कहता है, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने, सबने कहा वह है मायावी शिशुबक्षी दैत्याकार वृद्धवत। विदुर कहते हैं, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश होता है। दूसरा प्रहरी कहता है, माता गांधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है, गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। विदुर कहता है, माता ये हैं युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से कहती है, पूछो विदुर इससे कुशल से हैं। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। गांधारी पुनः कहती है, बेटा बुझाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते, और चुप हो जाती है। फिर कहती है, पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। फिर चुप हो जाती है। फिर आगे कहती है, चुप क्यों हो, थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की शैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। फिर चुप हो जाती है। फिर पूछती है, चुप क्यों है विदुर यह, क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की इसीलिए? और वह जाने लगती है और प्रहरी से कहती है, प्रहरी चलो। विदुर कहता है, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं और चली जाती है। युयुत्सु कहता है, यह क्या किया माने, यह क्या किया विदुर, और सिर झुकाकर बैठ जाता है। आगे कहता है, अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर कहता है, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का, कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु कहता है, अब यह मां की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देंगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? विदुर कहता है, शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हांफने की आवाज आ रही थी तो सहसा तेज हो जाती है। पहला प्रहरी कहता है, कैसी आवाज है प्रहरी यह, वह गूंगा सैनिक है शायद दम तोड़ रहा। दूसरा प्रहरी जल लाता है। विदुर कहता है, कह लो युयुत्सु उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को।
युत्सु गूंगे के पास जाकर कहता है, गोद में रखो सर, मुंह खोलो ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आंख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। दूसरा पैरी कहता है, यह क्या हुआ? युत्सु कहता है, मैं ही अपराधी हूं, यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्नि बाणों से झुलस गए थे घुटने इनके, नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे, मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी, जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं बधिक हूं, मात्र वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। विदुर कहते हैं, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या छूटा पड़ गया कहां, सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से, आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो क्या, तुम हो प्रभु? और सहसा अंतःपुर में भयंकर आर्तनाद होता है, चीख पुकार मच जाती है। युत्सु कहता है, यह क्या हुआ विदुर? विदुर कहता है, प्रहरी जरा देखो तुम। पहला प्रहरी जाकर तुरंत लौटता है और कहता है, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से पूछता है, क्या? पहला प्रहरी कहता है, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं, आर्तनाद बढ़ता है, पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है, पांडवों की समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है, वनपथ का दृश्य है, धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा कहता है, यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडव गण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य कहते हैं, हेरो उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा कहता है, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहता है, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। कृतवर्मा चुप रहने का संकेत करके कहता है, छिप जाओ, पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर कृतवर्मा कहता है, कृष्ण भी है उनके साथ। कृपाचार्य कहते हैं, सुनो, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य से बलराम की ध्वनि आती है, बलराम की आवाज आती है, नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय, आज उसका अधर्म वार अनुचित था। कृपाचार्य कहते हैं, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। नेपथ्य से बलराम का स्वर आता है, पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया, जानता हूं मैं तुमको शैशव से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। कृपाचार्य धनुष रखते हुए कहते हैं, उधर मुड़ गए दोनों। बलराम का स्वर नेपथ्य से दूर जाता हुआ सुनाई देता है, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए कहता है, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य कहते हैं, वत्स किस चिंता में लीन हो? अश्वत्थामा कहता है, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से, सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग्य से कहते हैं, जैसे तुमने मारा था वृद्धि याचक को। अश्वत्थामा चिढ़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा कहते हैं, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है, खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध, अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा कहता है, प्रस्तुत हूं उसके लिए भी मैं कृतवर्मा, व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितेशी हो। कृपाचार्य कहते हैं, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या,
कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा कहता है, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्ट धुम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य कहते हैं, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं तुम्हारे साथ इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा कहता है, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया, कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई, कैसे होठ खिंचाए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य कहते हैं, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा कहता है, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो, तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य कहते हैं, चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा कहते हैं, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा कहते हैं, चले गए दोनों, कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है, हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल तो बूढ़े कृपाचार्य और क्रायर कृतवर्मा। यह है अक्षोहिणी कौरव सेना की परिणति, जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। और अकेले कृपाचार्य का प्रवेश होता है। कृतवर्मा पूछता है, आ गए कृपाचार्य? कृपाचार्य कहते हैं, देख नहीं सका मैं, और देर तक वह भयानक दृश्य पोटर से झांक रहे थे, दो खूंखार गिद्ध इस झाड़ी से उस झाड़ी में घूम रहे, गीदड़ और भेड़िए जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग्य से कहता है, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य कहते हैं, बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का, कैसे उठाऊं हाथ, अपना आशीष को झूल गई है बाहें कंधों के पास से, मैंने निर्जीव हाथ उसका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए कहता है, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति, और ऊब की जमुहाई लेता है। कृपाचार्य कहता है, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में कहता है, सो जाओ आज रात, सैनिक गण कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा और कृपाचार्य विश्राम करते हैं, अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा कहता है, इतना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूं केवल मैं ही, यहाँ इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई हैं। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है, वन में सियारों का रोदन होता है, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं, स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है, सहसा कर्कश कोए का स्वर, और दाई ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है, पंख खोलकर मंडराता है और दो बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है, फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसंधारी एक उलुकाकृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है, कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता है,
पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। तो वह एक बार अलसाई करवट लेता है और उलूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उलूक पहले सहम जाता है, उसे सोया देखकर तो एक बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा है। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है, भयानक रव, कोलाहल और चीत्कार होती है। दोनों गुंथे रहते हैं, बिल्कुल अंधकार है, फिर प्रकाश होता है। कौवे के कुछ टूटे हुए पंख और उलूक के पंजे रक्त में लथपथ। उलूक उन पंखों को उठा उठा कर नृत्य करता है, पदोल्लास का तांडव करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर दिखाया जाता है, सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उलूक घबराकर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उलूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है, मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है, वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य पूछता है, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा कहता है, मातुल सत्य मिल गया, बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा कहता है, ये घायल कटा पंख? अश्वत्थामा कहता है, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य पूछता है, कहां जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा कहता है, पांडव शिविर की ओर, नींद में निहत थे, अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण, और अपना कमरबंद कसता है। कृपाचार्य कहता है, अभी? अश्वत्थामा कहता है, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं, कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने, इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा कहता है, ये सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा बिना सुने कहता है, तुमने कहा था नरोवा कुंजरोवा, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा दृष्टद्युम्न को, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य कहता है, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा कहता है, होकर रहेगा, यह साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य कहता है, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। तीन रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापें शेष बचती है और पर्दा गिरता है, अंतराल होता है, दृश्य बदलता है, पंख पहिए और पट्टियां, वृद्धयाचक प्रवेश करता है, स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक का सा वातावरण दिखाया जाता है। वृद्धयाचक कहता है, पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्धयाचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं, अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था, जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केंचुले चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। दूसरे रथ की ध्वनि होती है, हाँ दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं, यह रथ है मेरे वधिक अश्वत्थामा का, कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी, है दम्य मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा, घृणा के उस नए काली नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनियां तेज होती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं, मैं हूं अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बनती है, कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधियारे में, वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया, आह यह है कौन, विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ।
और इस तरह घबरा कर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह कुछ बहुत भयानक देख रहा है और नेपथ्य से भयानक गर्जन सुनाई देता है। और इसी के साथ इस तृतीय अंक का पटाक्षेप होता है, तृतीय अंक समाप्त होता है। मित्रों आज के लिए इतना ही, शेष अंकों की चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपने अभी तक बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।